स्टार्टिंग आवर डिस्कशन रिगार्डिंग क्रिकेट. आज क्रिकेट हो नहीं रही है, एक अजीब सा ना आहिस्ता आहिस्ता सेपरेशन एंग्जाइटी की फीलिंग आने लगी है कि जस्ट 3 more matches दो के ये वर्ल्ड कप जो है वो लगातार चलता रहा. बट पाकिस्तान टीम मुशी भाई वापस आ गई, कुछ पीसेस कुछ टुकड़ों टुकड़ों में आई हैं, अलग अलग ग्रुप्स आए हैं और अभी कुछ जो जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है सियालकोट जाना है वो प्लेयर्स अलग अलग टाइम पे आएंगे वापस. मगर उनके वापस आने से पहले पहले इनफैक्ट जब मैच चल रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड का तभी ये बात अनाउंस हो गई थी, मीडिया पे आ गई थी. 7 wickets गिरी थी अभी तक बाय द वे. तो अनाउंस हो गई थी कि नहीं जी लॉन्गर फॉर्मेट का दूसरा कप्तान बनाएंगे और T20 का दूसरा बनाएंगे. टेस्ट और ODI का एक कप्तान होगा और T20 का दूसरा कप्तान होगा. फिर उसके बाद अगली जो खबर आई वो ये आई कि द चेयरमैन ऑफ PCB, नॉट द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी रादर, वो जका अशरफ साहब जो हैं वो फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग करेंगे. उन फॉर्मर क्रिकेटर्स की लिस्ट में आपका नाम भी था. कब है ये मीटिंग और क्या एजेंडा है इस मीटिंग का? अच्छा, ये मुझे नहीं पता वैसे अभी. अच्छा, खबरों में आपका नाम है? नहीं, मुझे नहीं पता. बट आई थिंक वी शुड बाय टाइम. ये रश करने वाली चीज नहीं है, ये जल्दी कॉस्मेटिक है. हम इस प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे थे, कॉस्मेटिक सर्जरी का ये मसला नहीं है. ये हमें जल्दी से कुछ चीज़ें ना मीडिया को बताने के लिए कोई ऐसे डिसीजन नहीं करने पड़ेंगे. इसको टाइम ले लें, एक कुछ ऑस्ट्रेलिया तक टाइम ले लें. आप टाइम ले के जब आराम से सब क्रिकेटर्स से मशवरा करें, आप जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उनसे बात करें, उनके मशवरे लें और फिर आराम से तसल्ली से उसके ऊपर फैसला करें. एंडी फ्लावर की एक बड़ी खूबी है, एंडी फ्लावर के साथ मैंने 6 साल इंग्लैंड में काम किया, PSL में 4 साल काम किया. उसको अल्लाह ने एक बड़ी सलाहियत दी है. वो क्या करता है कि वो इज़ अ गुड लिसनर, इज़ अ वेरी वेरी गुड लिसनर. वो क्या करता है कि सबसे मशवरा करता है. जब हम कोचिंग स्टाफ थे ना तो हर बंदे से बात करता है कि बताओ कल का मैच क्या करना है या टीम क्या खिलानी है, सिलेक्शन क्या होनी चाहिए. तो एक एक बंदे की राय लेने के बाद वो क्या करता था कि वो डिसीजन बहुत अच्छा करता था. Yes. ये इतना इम्पॉर्टेंट अमल है. ये हमारी नबी की सुन्नत भी है कि वो अब यू नो करते थे, मशवरा करते थे. अब चेयरमैन साहब को मशवरा करना चाहिए बड़े बड़े प्लेयरों को. Yes. बुला के और उनसे बात करके, तो उसके बाद जो भी फैसला हो तो उस पर टाइम लेना चाहिए, रश नहीं करना चाहिए. एक सेंसिबल आउटपुट आना चाहिए, रश नहीं करना चाहिए. हमें रश करना, एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते. एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़. वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी अबाउट नॉट रशिंग, पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए. मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि अब पाकिस्तान ने खेलनी है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान ने कभी भी टेस्ट सीरीज अपने नाम नहीं की है. बड़ी बड़ी टीम्स गुजरी मगर टेस्ट सीरीज अपने नाम नहीं कर सके. अब इस पूरे वर्ल्ड कप के लिटरली डिबैकल के बाद किस तरह टीम वापस खड़ी होगी और खड़ी होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी. यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, एक मुश्किल टूर होता है हमेशा जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं. हमने अपने जहन में शायद उसको मुश्किल बनाया हुआ है, दो के आई बिलीव आप वो सही करेंगे बात कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस अब वैसी कंडीशंस नहीं रही हैं, कुछ बेहतर हो गई हैं थोड़ी. बट इवन देन एक मुश्किल टूर पाकिस्तान के लिए. अब बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिल्कुल ऐसा ही है. ऑस्ट्रेलिया कभी भी आसान नहीं हुआ. हालांकि ठीक है अभी वो कंडीशंस वैसी नहीं रही हैं, थोड़ा बाउंस नीचे हो गया ओवर द पीरियड जो क्रिकेट हो रही है टी वाइट बॉल की उसकी वजह से, लेकिन फिर भी टफ है उधर उनके. वो खुद बड़ा अच्छा खेलते हैं, 550-600 लगाते ही लगाते हैं. फिर आपको वो एक दो बार आउट कर लें जल्दी तो फिर बारी ले लेते हैं. तो है टफ वहाँ उनकी कंडीशंस, उनकी फिर बॉलिंग अच्छी बॉलिंग है. चारों बॉलर उनके टेस्ट के बहुत ज़बरदस्त हैं. बैट्समैन उनके अगर आप देखें तो अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा रन्स करते हैं. ये नंबर वन रहा है लबुशन स्मिथ, ये सारे अच्छे प्लेयर हैं. तो काफ़ी अब ये जो इनका प्लेयर आया, ये जो अभी इंजरी के बाद आया, ये क्या नाम है, मैं उसका नाम भूल गया, खब्बा बैट्समैन जो तेज़ खेल रहा है, ट्रेविस हेड, ये बहुत तेज़ खेलता है, ये टेस्ट में भी बहुत तेज़ खेलता है. बिल्कुल. तो ये दूसरी टीम पे जिसको कहने हवा बोल देते हैं, वो बहुत अटैक करते हैं, हवा बोल देते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा. और नए फास्ट बॉलर जैसे नसीम शाह बेचारा स्ट्रगल की थी जब पहली बार गया था, तो नए बंदे को तो और ज़्यादा वो फिर अंडर प्रेशर लेते हैं. तो हमारे लिए टफ ज़रूर होगा, ये नहीं कि आसान है, हमेशा से हुआ है. कभी पाकिस्तान उधर नहीं जीता. अगर आप हिस्ट्री देख लें, शायद एक आधा टेस्ट मैच जीते हो. एक बार मुशी भाई जब मैन ऑफ द मैच में हम थे, आप सीरीज नहीं जीते हैं, बट टेस्ट 96 में, फिर 2000 में हम लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे. अगर वो कॉन्फिडेंट दे देते लैंगर का, जो लैंगर ने बाद में खुद भी माना कि मैं आउट था लेकिन मैं नहीं गया, तो वो दे देते तो शायद वो सीरीज़ भी कोई और. फिर 2009-10 में जब मैं कप्तान था सिडनी में, अगर वो टेस्ट हम जीत जाते तो शायद थर्ड टेस्ट
बहुत अच्छा होता लेकिन वो भी 3-0 हमारे, उसके बाद भी जब गए हैं तो 3-0 ही हुआ है। तो कोशिश तो हमने हर बार करनी कि अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ये जरूर कि टफ जरूर होता है, वो आसान नहीं होता। मुझे भाई ऐसा क्यों, क्योंकि कल भी जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो यूसुफ ने कहा कि 99 की टीम तो 92 से भी बेहतर थी, बट देन फिर क्या होता है? अगर बेहतर थी तो क्यों हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, क्यों हम अपने वर्ल्ड इवेंट्स में डोमिनेंस नहीं ला पाए, क्यों हम ऑस्ट्रेलिया, शायद हमारा कोई माइंडसेट ऐसा है, क्योंकि एक वो हम देखते ना इंडिया बहुत बड़ी टीम है बट न्यूजीलैंड के सामने आके अक्सर फंस जाती है नॉकआउट पे, बड़ा वो दे स्केयर्ड अबाउट इट कि नॉकआउट में अभी फिर न्यूजीलैंड उनके सामने आ गया। हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ वो उस तरह का शायद रिश्ता है। देखिए विनिंग आईसीसी चैंपियन आईसीसी वर्ल्ड कप या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यू नीड टू बी बिट लकी, ओके, ठीक है, यू नीड बिट लक, याद रखिएगा ये बात। वर्ल्ड कप जीत जाना एक फाइनल सेमीफाइनल में जाके एक मैच, मुझे मैं अभी बता रहा हूँ ये मुझे लगता है ऐसा कि जब जिस तरह इंडिया का मोमेंटम जा रहा है, न्यूजीलैंड का और इंडिया का मैच मैं बहुत कन्विंस हूँ ये नेचर अल्लाह का निज़ाम है, अच्छी टीम को जीतना चाहिए, हमें ये नहीं कह रहा कि इंडिया, मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने हरा देना इंडिया को लॉ ऑफ एवरेजेस के साथ, एग्जैक्टली। अच्छा इसका हल क्या है कि आपने अपनी टीम को कभी जज करना है ना, वो जज जो आप 99 की टीम यूसुफ कह रहा है कि वो टीम अच्छी थी, वो इसलिए अच्छी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड सीरीज 96 में जीती, पाकिस्तान की वर्ल्ड सीरीज उधर ऑस्ट्रेलिया को जाके वन डेज में मारा, टेस्ट मैचों में नहीं मारा, वन डे दो दफा हम वर्ल्ड सीरीज जीते हुए, वहाँ पे वर्ल्ड कप भी जीते हुए। वो टीमों का पता जीतने का अंदाज़ा कैसे लगते हैं, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका आपका हो गया ये क्या न्यूजीलैंड, ये नंबर 1, 2, 3 में क्यों रहती हैं? इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो ना तो वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल फाइनल तक भी पहुंचे ना यू फील गुड, यू फील प्राउड। जब आप क्रिकेट ऐसी खेलते हैं कंसिस्टेंसी नहीं होती तब डाउट क्रिएट आते हैं, और कंसिस्टेंसी तब नहीं होती जब आपका सिस्टम तगड़ा नहीं होता। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमारी टीम तगड़ी तब होती है जब हमारे परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होती है। जिस दिन हमने न्यूजीलैंड को टेस्ट मैचों में मारना शुरू कर दिया था ना न्यूजीलैंड में, वी न्यू दैट वी आर द बेस्ट टीम। हमने जब 96 में अल्लाह का शुक्र है हम टेस्ट मैच जीते, और वो भी जैसे यूसुफ ने कहा 2-3 मौके ऐसे आए हमारे पास कि पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज भी जीत सकता था, वो सकलैन ने भी आउट किया, उधर वसीम भाई लगे हुए थे, सब ने लड़कों ने इंजमाम ने सईद ने सईद भाई ने यूसुफ ने इन्होंने 100-100 रन किए हैं, तगड़े स्कोर किए हैं, और उस वक्त की पिछे मुश्किल पिछे थी। पाकिस्तान जीतेगा तब जब कंसिस्टेंटली दूसरे मुल्कों में जाके ना लोगों को मार के आएगा ना, तब पाकिस्तान की टीम जीतेगी। इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराया, दो बार टेस्ट सीरीज, हाँ जी टेस्ट सीरीज जीते वहाँ पर। अच्छा एक तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में, बाकी तब्दीलियाँ क्या आती हैं वो तो वक्त बताएगा। मॉर्न मॉलकर जो है वो अब बीइंग अ बॉलिंग कोच पाकिस्तान के साथ अब वो नहीं होंगे, और अब जो कहा जा रहा है जो इतलात आ रही हैं अब आता कौन है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आना क्या पाकिस्तान से ही किसी को चाहिए जो हमारी रोज़ की डिबेट है, क्योंकि उमर गुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस वक्त, ऑस्ट्रेलियन टूर है, उमर गुल की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है? अब देखें ये तो क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लेना है, लेकिन अगर उमर गुल की भी बात हो रही है, वो बड़ा सर्व किया, बड़ी ज़बरदस्त बॉलर था हमारा, और उसने ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, और अच्छी बात है कि पाकिस्तान ही आएगा, और वो उसने अफगानिस्तान के साथ भी काम किया है, उनके बॉलर्स को भी फ़ायदा हुआ उससे, और मेरा ख्याल है कि जितने भी अब वो हमारे साथ शॉन टेट था वो भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा था, हो सकता है ये भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा हो, ये नहीं कह रहे कि नहीं कर रहा, लेकिन अगर अपना प्लेयर है और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है तो उसको लेना चाहिए। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें मोरने मोर कर रहे होते तो रिजल्ट थोड़ा मुख्तलिफ होता, क्योंकि इंडियन बॉलर्स की परफॉर्मेंस आप बाकी फास्ट बॉलर्स बेशक सब बॉलर्स को पड़ी है मार वर्ल्ड कप में, हम इस डिबेट के ऊपर भी हैं, बट हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परफॉर्मेंस सही नहीं रही बॉलर्स की, तो शायद इस वजह से उसने छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया है, या इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट था ही सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए, तो ये वो वैसे भी सुना है वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, जो मैंने सुना था जो अकेडमी में कुछ लोग कह रहे थे वो पाकिस्तान आना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने देखा नहीं उसको कभी सॉरी। तो अपने उमर गुल की अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छा बॉलर है, बड़ी अच्छी ये मूव होगी अगर वो लेते हैं उमर गुल को तो।